ओम शांति। आज 1 दिसंबर 2022 के साकार मथुर महावाक्य हैं। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। आज हम सब अव्यक्त बाप दादा से संध्या काल में मुलाकात करेंगे। 5 से 6 आदरणीय सूर्य भाई साहब प्रभु मिलन की तैयारी हम सबको क्लास कराएंगे। वो सुनने के बाद हम डायरी पेन लेकर बैठेंगे और बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। जो कार्य बाबा देंगे वो हमें अवश्य करना है। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। बाबा ने हमें बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते हुए दिल तख्त नशीन रहना है। बाबा का दिल तख्त एक ऐसा तख्त है जहाँ कोई चिंता फिक्र नहीं आ सकता। ये सख्त की विशेषता है, इसलिए हर कार्य करते हुए बाबा के दिल तख्त नशीन रहो तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि विकर्मों से बचने की युक्ति क्या है। विकर्मों से बचने की युक्ति है ये पाठ पक्का करो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक की स्मृति में रहते ही विकर्मा जीत बन जाएंगे। चलते फिरते उठते बैठते एक बाबा को याद करना है। इस याद में माया के तूफान भी आएंगे। माया भले किसी भी रूप में आए, आपको माया से परेशान नहीं होना। बाबा को याद करेंगे तो आपकी जीत हो जाएगी। बाबा कहते बाबा को याद करो, सब तूफान शांत हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा भी सबको शिव बाबा की याद दिलाते हैं। जो बच्ची बाबा के रथ की संभाल करती है, भोजन आदि खिलाती है, तो ब्रह्मा बाबा भी उनसे बात करते हैं कि शिव बाबा को याद करके फिर संभाल करो तो आप बहुत ऊंच पद पा सकते हो। क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, तो कोई भी शिव बाबा को याद करे, बाबा के साथ बुद्धि योग लगाए। ब्रह्मा बाबा ये कहते हैं कि सभी बाप को याद करें तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा की आश है मेरे बच्चे स्वर्ग की परी बन जाएं। बाबा को याद करते रहो, याद के साथ साथ सेवा करते रहो। अपना चार्ट देखो, आज मैंने कितना याद किया। तो सेवा करने के साथ साथ जो बच्चे याद करते हैं उनका बहुत ऊंचा पद हो जाता है। बाबा ने जो योग सिखाया ये राजयोग हमें स्वर्ग का महाराजा महारानी बना देता है, विकर्मा जीत बना देता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। इस योग से तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। क्वेश्चन है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो। विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। एक बाबा से सच्चा लव रखना है। ये प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। माया देहाभिमान में आकर उल्टे कर्म कराती है। माया देहाभिमान में लाकर उल्टे कर्म कराती है। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो आपकी हार नहीं हो सकती, गारंटी है ये। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न है, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आश है। अपने बच्चों प्रति बाबा की कौन सी आश है। ऐसे लौकिक बाप चाहते हैं मैं बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं अपने बच्चों को स्वर्ग की परी बना दूं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पे चलें तो श्रेष्ठ बन जाएं। गीता तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम अपनी नई तकदीर बनाने के लिए यहाँ आए हैं। किसके पास आए हैं, योगेश्वर के पास, सिखाने वाले ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग।
ईश्वर योग सिखाते हैं। कौन सा योग सिखाते हैं? हठ योग तो अनेक प्रकार का है, वो जिस्मानी योग नहीं, सन्यासियों का तत्व योग ब्रह्म योग है, उनको ईश्वर योग नहीं सिखाते। तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा हमको फिर से कल्प पहले माफिक राजयोग सिखाते हैं। सन्यासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, ये योग कल्प पहले भी सिखाया था, अभी भी सिखा रहा हूँ। तुम बच्चे कह सकते हो, वह हठ योगी राजयोग नहीं सिखा सकते, हमें सिखाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर कहते हैं। मनुष्य भूल से श्री कृष्ण जी को योगेश्वर कह देते, वो तो सत्यों के प्रिंस हैं, कहाँ योग की बात। ये बहुत अच्छी पॉइंट है समझाने की, समझाने की तरकीब सीखो, समझाने की विधि सीखो, युक्ति से समझाया जाता, तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योग में रहेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है, ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखा ना सके, इसलिए इनका नाम योगेश्वर है। ईश्वरी राजयोग सिखाते हैं। किसके लिए राजयोग सिखाते हैं? क्या भारत को राजाई देते हैं? नहीं, सिर्फ भारत की बात नहीं, तुम बच्चों को सारे विश्व का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, भले राजाई कोई टुकड़े पर करेंगे, विश्व में तो नहीं करेंगे, परंतु कहने में आता है विश्व का मालिक। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं, सारे विश्व नई बन जाती है, कैपिटल भारत है, तुम्हारे नए विश्व में भी कैपिटल दिल्ली होगी। उनका नाम गाया हुआ है परिस्तान, तुम वो ज्ञान परियां, ज्ञान सागर में गोता खाकर मनुष्य से बदल स्वर्ग की परियां बन जाते हो। ये ज्ञान मानसरोवर है, कहते हैं वहाँ स्नान करने से, मानसरोवर में स्नान करने से मनुष्य परी बन जाते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की परियां बनने के लिए, तुम बादशाही लेते हो, तुम्हारे पास जेवर आदि ढेर होंगे, तुम कहेंगे हम राजयोग सीखते हैं जिससे हम भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे, परंतु अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो। कब बनेंगे महाराजा महारानी? अगर श्रीमत पर अच्छी रीति चलेंगे तो। ऐसे मत समझना कि प्रजा में आने वाले को परी कहेंगे, नहीं, श्रीमत पर दैवीगुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है, कहते बच्चों को ऊंच पढ़ाऊं, ये बाप भी कहते हैं इन्हें एकदम स्वर्ग की परी बना दूं। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं, साहूकारों को सुनने की फुर्सत नहीं, सिर्फ गरीबों को फुर्सत मिलती है। तुम्हारी जितनी फुर्सत किसी को नहीं है, जिनको लफड़े ज़्यादा हैं उनका योग नहीं लग सकता, जिनके लफड़े ज़्यादा हैं उनका योग नहीं लग सकता। आज बाबा बच्चे से पूछ रहा था कि तुम जानते हो हम किसके रथ की सेवा कर रहे हैं? घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा, हम फलाने साहिब के घोड़े की संभाल कर रहे हैं। तुम भी जानते हो किसका रथ है। अगर शिव बाबा को याद कर तुम इस रथ की सेवा करो तो तुम बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। अगर शिव बाबा को याद कर फिर इस रथ की सेवा करो, ब्रह्मा बाबा के रथ की संभाल करो, तो बहुतों से अच्छा पद पा सकती हो। ये हुआ रथ, याद शिव बाबा को करना है, ये भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए, और सिखाते संगम पर। श्री कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएंगे? वो तो सत्युगी राजाई में था, परंतु वो राजाई किसने स्थापन की? बाप ने। प्राचीन देवी देवताओं को ऐसा किसने बनाया, किसने राजयोग सिखाया? मैं श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को अब सिखा रहा हूँ, तुम तकदीर जगा कर आए हो भविष्य नई दुनिया में ऊंच पद पाने के लिए। बाबा कहते मुझे याद करो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। एक तरफ याद करते हैं पतित पावनाओ, दूसरी तरफ नदियों को कहते हैं कि पतित पावनी, कितनी भूल है, बात छोटी है, परंतु मनुष्यों की आँख खोलनी है। बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं, पतित पावन मैं हूँ, मैं तुम्हें पावन बनाता हूँ, ये पतित दुनिया है। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं, परंतु राजयोग एक मैं ही सिखाता हूँ। परमपिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए,
फिर मैनर्स भी अच्छे चाहिए। हम 16 कला संपूर्ण बनते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए। कोई झट धारण करते हैं, गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। एक जनक थोड़े होगा, मिसाल एक का दिया जाता। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, सबकी लाज रखते हैं। द्रौपदी एक थोड़ी होगी, बाबा तो सबकी लाज रखते हैं। स्त्री पुरुष दोनों को पतित होने से बचाते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम लिख दिया। इस समय तुम बच्चे जो कुछ भी करते हो भक्ति में यादगार बनता है। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर है, जो सर्विस करते हैं उनका नामाचार निकलता है। तुम्हारा दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हो, ऊपर राजाई के चित्र खड़े हैं। अब तुम बाप से योग लगा रहे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। स्वर्ग को भी याद करते हो। कोई मरता है, कहते हैं स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ किसी को मालूम नहीं। समझते हैं भारत स्वर्ग था, फिर ऊपर कह देते हैं। बाबा समझाते, सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते हैं ज्ञान का सागर है। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है, फिर भी कहते ज्ञान का सागर है। जंगल को कलम बनाओ, सागर को स्याही बनाओ, पूरी पृथ्वी को कागज बनाओ। विद्या की देवी सरस्वती भी लिखने बैठे तो भी ईश्वर की महिमा और ज्ञान कम नहीं हो सकता। तो भी खुटता नहीं, पिछाड़ी तक चलेगा। तो मेहनत की जाती, सेकंड की बात भी ठीक है। बाबा को जाना तो बाप का वर्षा है जीवन मुक्ति। साथ साथ ये भी समझाया जाता कि ये चक्र कैसे फिरता है, धर्म कैसे स्थापन होते हैं। कितनी बातें हैं समझाने की। साथ में बाबा को याद करो, वर्षे को याद करो। तुम याद करते हो, निश्चय भी करते हो, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, फिर क्यों भूल जाते हो। बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना भी कर्म विनाश होंगे, इसमें टाइम लगता है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्मातीत अवस्था हो गई फिर तो तुम यहाँ रह नहीं सकते हो। बच्चों को वर्षों से समझाते रहते, बात बिल्कुल सहज है। अल्लाह और बे चक्र का राज भी बाबा समझाते। बुद्धि में पूरा राज आता है, फिर औरों को समझाना पड़ता है, सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता। बाप से सहज वर्षा लेना है, कहते बाबा योग नहीं लगता, माया विकर्म करा देती। बाबा समझाते बच्चे अगर विकर्म कर लिया फिर तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा, माया देह भी मन में लाकर उल्टे काम कराती है। बाबा कहते बच्चे मेरा बनकर कोई विकर्म नहीं करो। अंडरलाइन करेंगे बात, बाबा का बनकर अब कोई विकर्म नहीं करना, तुमने प्रतिज्ञा की है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जैसे कन्या की जब सगाई होती है तो पति के साथ कितना लव हो जाता है, तो बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए। कितना तुम्हारा गुप्त लव है, वो है जिस्मानी, ये है रूहानी, उसकी प्रैक्टिस पड़ गई। ये तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम वो खुदाई खिदमतगार, तुम वो रूहानी सेवाधारी, तुम लड़ाई के मैदान में खड़े हो, बाबा उस्ताद भी खड़ा है। कहते माया के साथ पूरी युद्ध करो, जो ये 5 विकार प्रवेश ही ना करे। लिखते हैं बाबा ये भूत आ गया। बाबा कहते इन भूतों को भगाते जाओ, इन भूतों को भगाते जाओ, ये तो अंत तक आएंगे, और ही जोर से तूफान आएंगे। अज्ञान में भी कभी नहीं आए होंगे, वो भी आएंगे। तुम कहेंगे वानप्रस्थ में थे, कभी ख्याल भी नहीं था। ज्ञान में आने से काम का नशा आ गया, स्वप्न भी आते रहते हैं कि ये क्या, ये वंडरफुल ज्ञान है। कोई मुंझ कर छोड़ भी जाते हैं। बाबा बता देते हैं तूफान बहुत आएंगे, जितना पहलवान बनेंगे उतना माया बहुत पछाड़ेगी, इसलिए महावीर बन सिथेरियम रहना है, बाबा की याद में रहना है, कर्म में नहीं आना। कर्म में आने से विकर्म बन जाते हैं। बहुत पुरुषार्थ करना है, खराब आदतें निकाल देनी है। अविनाशी सर्जन जानते हैं, ये बाबा भी जानते हैं। माया के अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े, यह राजयोग प्रजा योग नहीं, तो पुरुषार्थ कर राजाई लेनी चाहिए। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहीं भी जा सकते हो। बोलो हमें बताओ, हम किसको याद करें जो हम दुखों से छूट जाएं। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग वो क्या है, आओ हम आपको राजयोग सिखाएं। आप राजयोग सीख सकते हो, ऐसी ऐसी बातें करते रहे फिर ज्ञान में आ जाएंगे।
बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम ऐसी पहलवानी दिखाओ जो एक ही बात से उनकी बुद्धि ढीली हो जाए। युक्ति वाले चाहिए, तब बाबा पूछते, इतने सर्विसेबल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है, ये भी एक कहानी है। द्रौपदी के पिछाड़ी कीचक लगे, इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी समझाओ कि राजयोग सिखाया बाप ने, नाम डाला बच्चे का। दूसरी बात सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। समझाने की युक्ति चाहिए। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, वो है जिस्मानी सोसाइटी, ये है रूहानी सोसाइटी। रूह को इंजेक्शन लगता है, तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञान अधेर विनाश। अब आत्मा की ज्योत बुझ गई। मनुष्य जब मरते तो दीवा जगाते हैं, समझते आत्मा अंधेरे में जाएगी, बरोबर बेहद का अंधियारा है, आधा कल्प घृत नहीं पड़ा। आत्मा की ज्योत बुझ गई, अब ज्ञान का घृत पड़ने से रोशनी हो जाती है। बाबा बच्चों को कहते, माँ मेकम याद करो, ये श्री कृष्ण तो नहीं कह सकते, हम आत्मा भाई भाई हैं, बाप से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, ये चार्ट अच्छा रखना है, ये चार्ट रखना बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस करते करते फिर वो अवस्था पक्की हो जाएगी। ये युक्ति अच्छी है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, कोई भी भूत अंदर प्रवेश ना हो, इसकी संभाल करनी है। कभी भी माया के तूफानों में मूंझना नहीं, खराब आदतें निकाल देनी है, याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवाधारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। बहुत ही सुंदर वरदान। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं, क्योंकि तख्त की विशेषता है, जो तख्त नशीन होगा वो सब बातों में बेफिक्र होगा। जैसे आजकल भी कोई स्थान को विशेष कोई ना कोई नवीनता विशेषता मिली हुई है, तो दिल तख्त की विशेषता है कि फिक्र नहीं आ सकता। दिल तख्त की क्या विशेषता है, इस पर कोई भी फिक्र नहीं आ सकता, ये दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है। कोई भी कार्य करते सदा दिल तख्त नशीन रहो, परमात्म दिल तख्त नशीन रहो, तब स्वतः ही बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह सहयोग के साथ शक्ति रूप धारण करो। नंबर आगे लेना है तो स्नेह सहयोग के साथ शक्ति रूप भी धारण करो। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, परम सतगुरु का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। उस वरद हस्त से पावरफुल किरणें पूरे शरीर में फैल रही हैं। मीठी दृष्टि और मुस्कुराहट के साथ बाबा ने वरदान दिया है, बेफिक्र बादशाह भव। मैं बेफिक्र बादशाह हूं, बाबा ने मुझे बहुत ही सुंदर स्थान दिया है रहने के लिए, ये परमात्म दिल तख्त बहुत सुंदर स्थान है मुझ आत्मा की उन्नति के लिए। इस स्थान पर माया नहीं आ सकती,
विघ्न नहीं आ सकते। इस दिल तख्त की विशेषता है। परमात्म दिल तख्त को पाकर मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह बन गई। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे फिक्रों से फारिग किया। मेरी प्रतिज्ञा है मैं विकर्मों से बची रहूंगी, आपको ही याद करूंगी। मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।